इस किले की नींव रखी गई। राजा भगवंत दास जो कि आमेर के राजा हुआ करते थे, प्राचीन समय में आमेर बोला जाता था। इनके पुत्र थे माधव सिंह। माधव सिंह ने भी आमेर पर शासन किया। उसके बाद इन्होंने अपने समीपवर्ती भानगढ़ में भी शासन किया। इनके तीन बेटे हुए, छत्र सिंह, सुजान सिंह और तेज सिंह। छत्र सिंह बाद में भानगढ़ के राजा हुए। तब छत्र सिंह के बेटे अजब सिंह राजा ने भी अपना नाम इतिहास में करने के लिए एक गांव बसाया और एक किला भी बनवाया, जिस गांव का नाम पड़ा इनके नाम पर, अजबगढ़ का किला। इन्होंने 1643 में भी बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया, जिनमें से एक विश्व सिद्ध मंदिर था रघुनाथ जी का मंदिर, जिसे स्थानीय जीवी के पत्थर और मकराना के पत्थर से बनाया गया। गणेश जी का मंदिर, सीताराम जी का मंदिर भी प्रसिद्ध मंदिर है, जिन्हें भी अजब सिंह ने बनवाया था। अजबगढ़ का किला अपने आप में बहुत सारे रहस्य कमरों और रहस्य दरवाजों और रहस्य सुरंगों को समेटे हुए है, जहाँ से राजा ने कहाँ कहाँ तक ये सुरंगें जाती है। ये किला देखने योग्य है। सड़क के साथ तालाब सारी सिलमिल बांध बना हुआ है। यहाँ पर बिड़ला समूह ने एक रिसोर्ट बनाया है, जिसमें हेलीकॉप्टर से आने जाने की व्यवस्था की गई है। अजबगढ़ के पहाड़ के ऊपर राम श्याम गंगा नमक बांध है, जो चार पहाड़ी के दुर्गम रास्ते से जाने पर देखने को मिलता है। पुराना अजबगढ़ नष्ट भ्रष्ट होकर जीर्ण शीर्ण अवस्था में खंडर रूप में पड़ा है और अब नया अजबगढ़ बसता जा रहा है। इस किले को आज लगभग 450 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, जिसकी विशेषता येलो स्टोन से बनी इस खिड़की को देखने पर मिलता है, जो कि आज भी वैसी ही है जैसे बरसों पहले हुआ करती थी। इसके प्रांगण में भी येलो स्टोन से बहुत काम किया गया है, जो कि मकराना से मंगाया गया। तो ये था अजबगढ़ का किला। इस किले में हम अंदर नहीं जा सके, क्योंकि किले के दरवाजे पर अब ताला लग चुका है और अब ये सरकार की संपदा बन चुकी है। बड़ा दुख होता है ऐसे किलों को तहस नहस होते देखते हुए, जो कि धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण होता जा रहा है। अफसोस बस इस बात का रहेगा कि हम अंदर नहीं जा पाए। अंदर जाने की बहुत इच्छा थी और इसे देखने की भी। तो ब्लॉग को यही एंड करता हूँ। राम राम से सभी को। खम्मा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। कैसा लगा जरूर अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में रखिएगा।